सो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस महिला दिवस के अवसर पर दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं आपके साथ महिलाओं की कुछ ऐसी बातें शेयर करूं जो आपको, मुझको, इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करे। लेकिन 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 उससे पहले मेरा एक प्रश्न है, ये 8 मार्च को महिला दिवस क्यों मनाया जाता है और 8 मार्च को ही क्यों? वेल, वुमेन के कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को लोगों तक पहुंचाने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि वुमेन सिर्फ घर पर रोटी, कपड़े और बर्तन और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपनी ताकत से आसमान को भी छू सकती हैं। 1909 में एक वुमेन एक्टिविस्ट थेरेसा मालकिल के कहने पर अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी ने न्यूयॉर्क में 28 फरवरी को सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन्स डे को सेलिब्रेट किया था। और जैसा कि आपको पता है कि जब एक इंसान किसी काम की पहल करता है तो कारवां तो बनता ही है। अमेरिका से ये चीज पहुंची जर्मनी और वहां से ऑस्ट्रेलिया, और 19 मार्च 1911 में ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले वुमेन्स डे की परेड निकाली और वुमेन्स को राइट टू वोट और सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जैसी बातों पे प्रोटेस्ट करना शुरू किया। बट ऑन 8 मार्च 1914 जर्मनी ने इसे संडे के रूप में मनाया। ऐसा था कि अमेरिका में इसको मनाया जा रहा था फेब्रुअरी के लास्ट संडे को, लेकिन जर्मनी में एक बार मार्च में संडे पड़ा और वो मार्च थी 8 मार्च 1914 में। तब जर्मनी ने इसको सेलिब्रेट किया और फिर वहीं से 8 मार्च को ये सेलिब्रेट होना शुरू हो गया और पूरा वर्ल्ड इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे के नाम से 8 मार्च को जाना जाने लगा। तो दोस्तों, मैंने अभी आपको इस वुमेन्स डे पे वुमेन्स डे की हिस्ट्री बताई, लेकिन अगर मैं इस वुमेन्स डे पे अपनी भारतीय महिलाओं की बात ना करूं तो ये मेरे लिए गलत होगा। तो अब हम बात करते हैं अपनी भारतीय महिलाओं की जो कि अपनी ताकत से इस वर्ल्ड को बुलंदियों की ओर ले जा रही हैं। तो इन भारतीय महिलाओं की लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं इंदिरा नूई की। इंदिरा नूई ये हमारे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट रोल मॉडल में से एक हैं। इनकी कहानी है जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के प्रोडक्ट मैनेजर से पेप्सिको कंपनी के सीईओ बनने तक की। यह कंपनी पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 FMCG कंपनी में से एक है। और तो और, इंदिरा नूई एट प्रेजेंट एमेजॉन की बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर भी हैं, और ये उन महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है जो कि अपना फील्ड एज अ कैरियर एंटरप्रेन्योर में लेना चाहती हैं, यानी कि एक बिजनेसमैन बनना चाहती हैं। अब बात करते हैं किरण मजुमदार शॉ की। ये हमारे इंडिया की एक ऐसी वुमेन है जो कि रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन है, और इनको जाना जाता है इनकी इंडिया की लार्जेस्ट बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन की फाउंडर के रूप में। ये IIM बेंगलुरु की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। दिस वॉज द सेकेंड ऑप्शन फॉर यू टू इंस्पायर योर सेल्फ। नाउ द थर्ड वन इज स्मिता सबरवाल। यह तेलंगाना की एक यंगेस्ट लेडी है जिसने UPSC एग्जाम को क्लियर करा है, और सी वॉज द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया टू ज्वाइन द CMO ऑफिस एज अ सेक्रेटरी। यानी कि ये हमारे इंडिया की पहली लेडी है जिसने चीफ मिनिस्टर ऑफिस में काम किया है एज अ सेक्रेटरी। ये चीफ मिनिस्टर के साथ रहती हैं, साथ ही में इनको एक पीपल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है, और ये महिलाओं की बहुत ही हेल्प करती हैं, नए नए इंस्पायर करती हैं उनको नए नए काम करने के लिए। तो दिस वॉज द थर्ड वन ऑप्शन टू इंस्पायर योर सेल्फ। नाउ द फोर्थ वन इज अरुणिमा सिन्हा। इनको जाना जाता है एक स्पोर्ट्स पर्सन और माउंटेन क्लाइंबर के रूप में। इनका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक ऐसी पहली महिला डिसेबल्ड है जो कि 2013 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई थी, और साथ ही में इनका एक रिकॉर्ड ये भी है कि हाईएस्ट पीक ऑफ एंटार्क्टिका माउंट विंसन पे ये चढ़ गई थी। सलाम है ऐसी महिला को और इनके ऐसे जुनून को। दिस वॉज द फोर्थ ऑप्शन टू इंस्पायर योर सेल्फ। नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट वन इज लक्ष्मी अग्रवाल। मे बी आप लोगों में से बहुत से लोग इनको जानते भी हो। जी हाँ, ये वही हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक हुआ था। आपको पता है ये एक NGO चलाती हैं छाओ फाउंडेशन के नाम से, जो कि एसिड अटैक विक्टिम्स को हेल्प करता है। इनका मानना है कि जो लड़की ये सोचती है कि उसका फेस ही सब कुछ है, ये उसका मानना गलत है। ये कहती हैं कि उनके ड्रीम्स उनके गोल्स को अचीव करने में ज्यादा हेल्प करते हैं, ना कि उनका फेस। दिस वॉज द फिफ्थ एंड लास्ट वन ऑप्शन टू इंस्पायर योर सेल्फ। सो वुमेन्स की लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन ये 5 वुमेन्स काफी हैं आपको इंस्पायर करने के लिए। अगर आप वाकई में इंस्पायर होना चाहते हो तो ये 5 वुमेन आपकी बहुत मदद करेंगी। दोस्तों, आज वुमेन्स डे है और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा जाए जिससे कि ये वुमेन्स तक पहुँचे, इंडिया की वुमेन्स तक पहुँचे जो कि इंस्पायर हो सकें इन वीडियोज़ को देख के। तो ये मेरी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस वीडियो को शेयर करें। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।